हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आगे प्रोसीड करेंगे। अब तक आपने मोर कंसेप्ट पढ़ा, स्टिकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़ी और उसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए होंगे आपने। इसके बाद जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टाइट्रेशन। ओके, समझिए टाइट्रेशन क्या होता है। देखिए, टाइट्रेशन होता क्या है और हम इसे करते क्यों हैं, ये दोनों ही बात आपको समझनी है, राइट? तो सबसे पहले टाइट्रेशन होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है, टाइट्रेशन में हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, इस वर्ड का क्या मतलब है ये हम बाद में देखेंगे। वैसे टाइट्रेशन वर्ड का ओरिजिन आई थिंक फ्रेंच लैंग्वेज से है, राइट? ये कहीं जहां तक मेरा ध्यान है ये फ्रेंच लैंग्वेज से आया है टाइट्रेशन। पुराने टाइम में वो गोल्ड वगैरह को प्योर करने के लिए फ्रेंच लोग टाइट्रेशन टाइट्रेट वर्ड यूज करते थे इसके लिए, वहां से ये वर्ड आया है टाइट्रेशन। यहां पे हमारी केमिस्ट्री में टाइट्रेशन का क्या मतलब है, टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस है। इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है ये हम आगे देखेंगे, राइट? आगे आपको समझ में आएगा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है। वैसे आप देख सकते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब वॉल्यूम को एनालाइज करना, वॉल्यूम को कैलकुलेट करना। ओके, राइट? तो टाइट्रेशन एक वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब हम इसमें वॉल्यूम एनालाइज करेंगे, राइट? वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। ओके, अब आगे चलते हैं। टाइट्रेशन में हम करते क्या है, इसका पर्पज है अननोन सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन पता करना। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक बीकर दिया और बीकर में सॉल्यूशन बना दिया HCl का, राइट? एक बीकर था, बीकर में HCl का एक सॉल्यूशन था। मैंने आपसे पूछा इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताइए। ओके, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी बताइए। मोलैरिटी का मतलब आई होप आपको पता है, मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने आपसे ये पूछा कि इसके 1000 ml में HCl के कितने मोल है, राइट? तो मैंने आपसे इसकी मोलैरिटी पूछी। ओके, इस मोलैरिटी को कैलकुलेट करने के लिए आप लैब में गए और वहां आपने जो प्रोसेस फॉलो किया उस प्रोसेस का नाम था टाइट्रेशन, राइट? इस अननोन सब्सटेंस की इस सब्सटेंस की मोलैरिटी आपको यह तो पता ही, ये सब्सटेंस कौन सा है, बट ये नहीं पता आपको। यह पता है ये सॉल्यूशन किसका है, पर आपको यह नहीं पता कि इस सॉल्यूशन में सॉल्यूट की मोलैरिटी क्या है, राइट? इस मोलैरिटी को जानने के लिए हम टाइट्रेशन करेंगे लैब में जाकर। ओके, अब आगे देखिए, HCl था, इसकी मोलैरिटी आपसे पूछी, मोलैरिटी के लिए आप टाइट्रेशन करेंगे। ओके, टाइट्रेशन कैसे करेंगे, अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्यों? इसका ये तो फैक्ट है कि आप इस सॉल्यूशन को देखा और आपकी आंखों से एकदम से मुंह से पर्ची निकली, ये लो इसकी मोलैरिटी, ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना, राइट? देखकर आप किसी की मोलैरिटी नहीं बता सकते। ओके, तो लैब में जाकर आपने क्या किया, लैब में जाकर सबसे पहले आपने एक ब्यूरेट स्टैंड लिया। मैं अपना वर्ड दोबारा से बोलता हूं, ब्यूरेट स्टैंड ब्यूरेट ऐसा होता है, ब्यूरेट स्टैंड ये होता है BURETE, ब्यूरेट स्टैंड। ब्यूरेट स्टैंड में क्या लगता है, ब्यूरेट स्टैंड में ब्यूरेट लगाई जाती है। ब्यूरेट क्या होती है, ब्यूरेट ऐसी एक बड़ी सी एक पाइप रहेगी, राइट? एक ग्लास की ट्यूब रहेगी, राइट? कांच की, आजकल फाइबर की भी आने लगी है, तो जो भी है आपको दूर से ये कांच की एक ट्यूब दिखाई देगी, एक बड़ी सी ट्यूब, राइट? लगभग आप कह सकते हैं यहां से लेकर नहीं दिख रहा होगा आपको, खैर लगभग इतनी छोड़िए। ओके, तो एक ट्यूब रहेगी, आप देखते ही समझ जाओगे लैब में जाने के बाद कि ये ब्यूरेट है। अच्छा, ब्यूरेट को ब्यूरेट स्टैंड में फिक्स किया जाता है, ये ब्यूरेट स्टैंड। ओके, इसके बाद आपने इसमें एक दूसरा सॉल्यूशन भरा, वो किसका था, वो एक ऐसा सब्सटेंस था जो इसके साथ रिएक्ट कर सकता था। ओके, राइट? तो ये एक ऐसा सब्सटेंस ब्यूरेट में भरा, एक ऐसा सॉल्यूशन भरा जो इसके साथ रिएक्ट कर सकता था। दूसरी बात, इसकी खास बात ये थी कि इसकी कंसेंट्रेशन आपको पता थी, आपको ये पता है ये जो सॉल्यूशन है
कि किसी का भी सॉल्यूशन है राइट जो इससे रिएक्ट करेगा, HCl HCl के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इसका मतलब यहां कोई दूसरा सब्सटेंस है, HCl नहीं है। ओके, यहां आपने एक ऐसा सब्सटेंस का सॉल्यूशन बनाया जो इसके साथ रिएक्ट कर सकता था HCl के साथ। ओके, मान लेते हैं ये NaOH है, ये सॉल्यूशन NaOH का बना हुआ है, भाई NaOH बेस है, ये एसिड है, ये आपस में रिएक्शन करेंगे राइट। ओके, तो ये NaOH है। ओके, NaOH, ये NaOH का सॉल्यूशन है, ये NaOH का सॉल्यूशन है, ये HCl का, और NaOH के सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता है, आपको ये पता है जो ये NaOH का सॉल्यूशन है इसकी मोलैरिटी क्या है। जिस सॉल्यूशन की मोलैरिटी आपको पता होगी हम उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहेंगे। आई रिपीट, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। इन सब की डेफिनेशन भी लिखेंगे आगे हम, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। फिलहाल ये एक इंट्रोडक्शन चल रहा है, आप ये माने कि फिलहाल हम ये काम कर रहे हैं कि आपको टाइट्रेशन घर बैठे हुए क्लियर हो जाए कि लैब में जाकर टाइट्रेशन कैसे करते हैं राइट। फिलहाल कोई नोटबुक वगैरह सब साइड में रख दो, सिर्फ बात सुनते जाइए। ओके, आई होप आप कहीं खो गए होंगे तो मैं एक बार दोबारा बताता हूं हमने क्या क्या डिस्कस किया अब तक। देखो बच्चों, हमने ये देखा कि टाइट्रेशन में हम अननोन सब्सटेंस की मोलैरिटी या नॉर्मैलिटी कुछ भी हो उसकी कंसेंट्रेशन निकालते हैं। कंसेंट्रेशन बताने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, नॉर्मैलिटी भी कंसेंट्रेशन दर्शाती है, रिप्रेजेंट करती है, मोलैरिटी भी, वेट परसेंटेज भी, मास परसेंट, ये सब कंसेंट्रेशन का हिस्सा है राइट। हम इन सब को कंसेंट्रेशन टर्म्स कहते हैं। दूसरी बात, हमें एक सॉल्यूशन दिया गया HCl का और हमें उसकी मोलैरिटी नहीं पता थी, हमें यह नहीं पता था कि उसकी मोलैरिटी क्या है। हमसे कहा गया कि इसकी मोलैरिटी पता कीजिए। ओके, हम लैब में गए, लैब में हमने इसकी मोलैरिटी पता करने के लिए एक प्रोसेस फॉलो किया जिसको हमने टाइट्रेशन नाम दिया है राइट। टाइट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हमने ब्यूरेट स्टैंड उठाया राइट, और इसमें एक ब्यूरेट फिक्स की। ओके, ब्यूरेट ऐसी रहती है, ब्यूरेट में आपने एक सॉल्यूशन बना रखा था NaOH का जो जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पता थी, ऐसे सॉल्यूशन की जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी कंसेंट्रेशन आपको पता है उस सॉल्यूशन को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन राइट। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया NaOH का, ब्यूरेट में भर दिया। ओके, ब्यूरेट पूरी भरने के बाद यहां ब्यूरेट, अगर आप इस लैब में ब्यूरेट को देखोगे तो यहां ML के साइन बने रहते हैं, मतलब छोटे छोटे एक डैश 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 ऐसे लिखे रहेंगे, 1 ml 2 ml 3 ml ऐसे राइट। ओके, तो ऐसे ML जनरली ऊपर जीरो होता है, 0 ml यहां ब्यूरेट में, यहां जनरली हमेशा नहीं, कुछ ब्यूरेट हमने ऐसी देखी है जिसमें ऊपर हाइएस्ट डिजिट रहती है, नीचे लोवेस्ट, बट ज्यादातर में ऊपर 0 ml लिखा होगा राइट। तो यहां 0 ml लिखा है राइट, और फिर 0, 1, 2, 3 ऐसे कुछ नंबर डिजिट्स हमें वहां दिख रही थी। ओके, ml में, तो ब्यूरेट में हमने NaOH भर दिया। इसके बाद हमने NaOH, जैसे ही ब्यूरेट के यहां एक नोब होगी, NOB, नोब कहते हैं उसे, नोब को जैसे ही हम ओपन करेंगे यहां से NaOH आना स्टार्ट हो जाएगा राइट। NaOH आना स्टार्ट हो जाएगा, NaOH जैसे ही HCl से मिलेगा ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लग जाएंगे। आई रिपीट, जैसे ही NaOH HCl से मिलेगा, NaOH ऊपर से आया, HCl इसमें था, ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने लग जाएंगे, इससे बनेगा NaCl प्लस H2 राइट। ओके, इसका मतलब अगर NaOH मान लो बच्चों NaOH के दो मोल नहीं 0.2 मोल यूज हुए, देखते हैं आप घर बैठे कितना पढ़ रहे हैं। NaOH के 0.2 मोल ऊपर से आए राइट, ऊपर से आकर यहां जितना भी HCl था उस सारे HCl को NaOH ने न्यूट्रलाइज कर दिया। डन। ओके, NaOH ऊपर से आया, जिसकी जो NaOH का NaOH के कितने मोल आए ऊपर से, 0.2 मोल आए राइट। तो बताओ इस सॉल्यूशन में HCl कितना था, जो आपने यहां नीचे जो बीकर रखा है उसमें उस सॉल्यूशन में HCl के कितने मोल होंगे। ऑब्वियसली 0.2 मोल, क्योंकि आप यहां पे देख सकते हो इसका एक मोल इसके एक मोल को रिएक्ट करवा रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है,
तो ऊपर से अगर 0.2 मोल आए हैं तो HCl के भी 0.2 मोल ही तो होंगे इसमें। और मान लो ये आपने टोटल 50 ml लिया था, ये सॉल्यूशन 50 ml आपने लिया था, राइट 50 ml लिया था, और 50 ml में आपने ये देखा कि HCl के 0.2 मोल है, तो बताओ यहां HCl की मोलैरिटी क्या है। अब आप बड़ी आसानी से बता सकते हो, कैसे? आप कहोगे 50 ml में तो 0.2 मोल है, 1 ml में 0.2 by 50 इतने मोल होंगे, 1000 ml में कितने मोल होंगे into 1000, और 1000 ml में जितने मोल होंगे, 1000 ml में जितने मोल होंगे वही उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी होगी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। 1000 ml में कितने मोल है into 1000, ये कैंसिल आउट हो गया, हो गया 4 मोलर, यानी 4 मोल्स आर प्रेजेंट इन 1000 ml इन 1 लीटर, और 1 लीटर में जितने मोल वही इसकी मोलैरिटी, तो इसकी मोलैरिटी हो गई 4 मोलर। ओके, ये इंट्रोडक्शन था टाइट्रेशन का कि टाइट्रेशन कैसे की जाती है। एक बार मैं दोबारा से पूरा प्रोसीजर दोहराना चाहूंगा। हमें एक सॉल्यूशन दिया गया जिसकी मोलैरिटी हमें नहीं पता थी, हमें उसकी मोलैरिटी पता करनी थी, ठीक है। उसकी मोलैरिटी पता करने के लिए हमारे दिमाग में आइडिया आया कि हम टाइट्रेशन करवाते हैं, टाइट्रेशन करते हैं, राइट। तो हम लैब में गए, लैब में हमने वो सॉल्यूशन रख दिया जो हमें दिया गया था, जिसकी मोलैरिटी हमें बतानी थी, ओके। उसके बाद हमने एक ब्यूरेट स्टैंड उठाया, राइट, और उसमें ब्यूरेट को फिट किया, इसका नाम है ब्यूरेट, राइट। और ब्यूरेट में एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जो इसके साथ रिएक्ट कर सकता था, ओके, और वो सॉल्यूशन हमने ब्यूरेट में भर दिया। उस जो सॉल्यूशन हमने ब्यूरेट में भरा उसकी मोलैरिटी हमें पता थी। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी हमें पता हो हम उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, राइट। दूसरी बात, जो हम ब्यूरेट में भरते हैं उसे टाइट्रेंट कहा जाता है, टाइट्रेंट। जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है जिसकी मोलैरिटी हमें पता होती है, राइट, जिसकी हेल्प से हम टाइट्रेशन करते हैं उसे टाइट्रेंट कहते हैं, टाइट्रेंट। ये टाइट्रेंट है जो ब्यूरेट में भरा गया, टाइट्रेंट, टी आर ए एन टी, टाइट्रेंट। और जिसकी जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें बतानी है उसे एनालाइट कहा जाता है, एनालाइट, ए एन ए एल वाई टी ई। आई होप हम फ्रेम से बाहर नहीं गए हैं, या बच्चों एनालाइट, इसे एनालाइट कहते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को ही टाइट्रेंट भी कहा जाता है, जिसके बारे में हम एनालाइज कर रहे हैं उसे एनालाइट कहते हैं, ठीक है। अब अगर ये ज्यादा यूज हुआ, इसको इसके साथ रिएक्शन हो रही थी, राइट, अगर रिएक्शन के दौरान हम इसे ऐड करते गए जब तक ऐड करते गए जब तक कि वो सारा रिएक्ट ना कर गया हो जो भी यहां था, राइट, अगर ये ज्यादा यूज हुआ हमारा, कौन सा, क्या, टाइट्रेंट, इसका मतलब यहां पे उस सब्सटेंस के मोल भी ज्यादा हैं जिसको हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे हम एक्सपेरिमेंट करके किसी अननोन सब्सटेंस की मोलैरिटी, या प्रिसाइजली मैं बात करूं, एकदम सही मायने में बात करूं, तो मैं कहूंगा कि मैं किसी अननोन सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन निकाल सकता हूं, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब जो हमारे दिमाग में सवाल आने चाहिए, जो आपके दिमाग में सवाल आने चाहिए, वो सवाल क्या क्या है, देखिए, ये जो हमने अब तक डिस्कस किया वो टाइट्रेशन की एक छोटा सा ट्रेलर था। यू नो, कोई फिल्म देखते हैं तो फिल्म में हम पहले ट्रेलर से अंदाजा लगाते हैं कि अंदर ये हो रहा होगा, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी होगी, तो यहां ये ट्रेलर था, ओके। अब इस ट्रेलर के ही थोड़ा और अंदर चलते हैं। ये पूरी फिल्म आप जिस दिन देख लोगे, जिस दिन आपको लगेगा यस मैंने पूरी फिल्म देख ली, वो दिन वो होगा तब आप ये कहोगे कि मैं नीट में या आईआईटी में बहुत अच्छी रैंक लाने के लायक हो गया हूं, तब हम मानेंगे कि आपने इस ट्रेलर, ये ट्रेलर ही नहीं पूरी फिल्म भी देख ली है, ओके। वैसे मैं कभी ऐसा चाहता नहीं कि आप ये कहो कि अब मैं तैयार हूं, नो, क्योंकि जब आप ऐसा कहेंगे तो शायद वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस होगा। हमेशा आपको ये मान के चलना है कि आपको बहुत कम आता है और आपको बहुत ज्यादा सीखना है,
ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है बच्चों, जितना आपको ज्यादा आता है उतना आपको ऐसा लगता है कि आपको कम आता है, राइट? अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप बहुत कुछ खो रहे हैं, राइट? मैं आपका मोरल डाउन नहीं कर रहा, बट अपने आप को हमेशा तैयार रखें सीखने के लिए, ओके? तो जरा इस फिल्म के, इस ट्रेलर के बारे में और देखते हैं बच्चों, ताकि फिल्म हमें आगे जाकर समझ में आए। चलिए बच्चों देखिए, अब कुछ एक सवाल है जो आप को पूछने चाहिए, आपके दिमाग में आने चाहिए। पहली बात, हमें कैसे पता लगेगा कि ये सारे रिएक्ट कर गए? भाई जैसे जीरो से स्टार्ट हुआ, जीरो से स्टार्ट होते 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 होते, मान लो मैं कह रहा हूं भाई ये 50 ml पे जब ये खाली होता जाएगा क्या टाइट्रेंट जो जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, ये खाली होता जाएगा और 50 ml जब ये यूज होगा एट दैट टाइम ये सारा रिएक्ट कर जाएगा जो इसके अंदर था। तो इसमें एक सवाल निकल के आता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि अब ये सारा रिएक्ट कर गया जो इसके अंदर था। भाई हम रिएक्शन की बातें तो करते हैं बट हम देख थोड़ी ना सकते हैं मॉलिक्यूल को रिएक्ट होते हुए इन आंखों से। आज हमारे पास यू नो विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स हमारे पास बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है, राइट, जहां हम रिएक्शन को स्टडी करते हैं, ओके? बहुत एडवांस टेक्निक्स हैं हमारे पास, ओके? बट इन आंखों से तो हम रिएक्शन को होते हुए नहीं देख सकते ना। हम तो ये नहीं कह सकते देखो ये मॉलिक्यूल टकरा गया ये प्रोडक्ट बन गया, ओके? हमें जो प्रोडक्ट दिखते हैं वो करोड़ों प्रोडक्ट जब इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत सारे चीजें नई जो नई बनी है रिएक्टेंट से वो जब इकट्ठी हो जाती है तब हमें दिखती है कि देखो ये बन रहा है प्रोडक्ट, ओके? एक एक मॉलिक्यूल को तो हम नहीं देख सकते ना रिएक्शन होते हुए। तो हमें कैसे पता लगा कि ये इतना जब खाली हुआ टाइट्रेंट तब ये सारा रिएक्ट कर गया था एनालाइट जो इसके अंदर था, वो HCl जो इसके अंदर था मान लो वो सारा रिएक्ट कर गया, हम नहीं बता सकते। तो बच्चों यहां हमारी हेल्प करता है इंडिकेटर, इंडिकेटर ये शायद आपने 10th में पढ़ा हो। इंडिकेटर क्या होते हैं? इंडिकेटर हमें किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के होने का इंडिकेशन देते हैं, ओके? आप में से शायद कुछ बच्चों ने फिनोफ्थलीन का नाम सुना हो, मिथाइल ओरेंज का नाम सुना हो, घर में टर्मरिक एज ए इंडिकेटर यूज होता है, ये शायद आपने सुना हो, और अगर नहीं सुना तो भी कोई बात नहीं, ओके? तो इंडिकेटर क्या होते हैं, नहीं सुना है तो अभी सुनिए, इंडिकेटर क्या होते हैं जो किसी के होने का इंडिकेशन देते हैं। जैसे यहां पे इसमें इस टाइट्रेशन में हम फिनोफ्थलीन फिनोफेर PHENO फिनो PH फेर थेर THALEIN फिनोफ्थलीन को एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं, फिनोफ्थलीन, ठीक है, ओके? कंफ्यूज नहीं होना, नाम को बार बार बोलना है, ओके? इसे केमिस्ट्री के मॉलिक्यूल से आपकी दोस्ती हो जाएगी। फिनोफ्थलीन एज ए इंडिकेटर यूज करते हैं। अब फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है, पहली बात ये किस चीज के होने को इंडिकेट करता है? ये बेस के होने को इंडिकेट करता है। जब फिनोफ्थलीन बेस के कॉन्टेक्ट में आता है, एसिड बेस वाला बेस, जब फिनोफ्थलीन बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है, ओके? फिनोफ्थलीन जब बेस के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसका कलर पिंक हो जाता है, अदरवाइज ये ट्रांसपेरेंट रहता है। एसिडिक या न्यूट्रल मीडियम में ये ट्रांसपेरेंट होता है। ऐसा क्यों होता है, इसके लिए हमें और 6-7 महीने का वेट करना पड़ेगा, तब ये सारी बातें आपको पता लगेगी। फिलहाल हमें ये पता है कि फिनोफ्थलीन एसिड में ट्रांसपेरेंट और बेस में पिंक हो जाता है, राइट? फिनोफ्थलीन बेस के कॉन्टेक्ट में आते ही पिंक, ओके? P4 फिनोफ्थलीन P4 पिंक, राइट? फिनोफ्थलीन पिंक हो जाता है बेस के कॉन्टेक्ट में आने के बाद, ओके? चलिए बच्चों, तो अब जरा दोबारा से देखते हैं, ओके? पहले मैं फिर दोबारा से बता दूं हमारी समस्या क्या थी। हमारी समस्या ये थी कि टाइट्रेंट ऊपर से आ रहा है, एनालाइट नीचे है, राइट? जब ये टाइट्रेंट एनालाइट के साथ रिएक्शन करेगा, राइट, तो अगर ये ज्यादा यूज हुआ इसका मतलब एनालाइट में नीचे जो बीकर या फ्लास्क रखा हुआ था, राइट, उसमें ज्यादा क्या था,
ज्यादा वो सब्सटेंस था, HCl लिया है तो HCl ज्यादा था, अगर वो ऊपर से ज्यादा यूज हो रहा है, कम यूज हो रहा है तो नीचे कम था। तो इस आधार पे हम ये बता सकते हैं कि नीचे वाले बीकर में या फ्लास्क में कितना कोई सब्सटेंस है। बीकर इसे कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, और फ्लास्क इसे कहते हैं, ये बीकर है ये फ्लास्क है, इसे कोनिकल फ्लास्क भी कहा जाता है। बीक यहां पे अगर आप लेफ्ट में जाएंगे ना तो बीक एक चोंच सी देखोगे यहां, इसलिए इसका नाम बीक 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 है इसमें, इसलिए बीकर पड़ा। राइट, इसको फ्लास्क जरा देखो, इसको जनरली हम यहां टाइट्रेशन में ना कोनिकल फ्लास्क लेते हैं, ऐसा फ्लास्क लेते हैं क्योंकि हमें ये ऐसे स्टिर करते रहना पड़ता है, हिलाते रहते हैं हम इसे, तो इसमें ना अगर हम इसे यहां लेंगे तो हिलाते टाइम कुछ चीज बाहर छलक सकती है, इसमें बाहर जाने के चांसेस कम होते हैं। राइट, तो हम कोनिकल फ्लास्क, इसका नाम है कोनिकल फ्लास्क, इसका नाम है बीकर, तो कोनिकल फ्लास्क का यूज करते हैं। इसे कभी कभी टाइट्रेशन फ्लास्क भी कह देते हैं, इसको कभी कभी टाइट्रेशन, लैब में चलेंगे तब आपको अच्छे से आएगा, टाइट्रेशन फ्लास्क भी कह देते हैं। ओके, देखिए बच्चों यहां क्या था बताओ, यहां है, यहां पे जिसके बारे में हम एनालाइज कर रहे हैं, यहां है एनालाइट, ऊपर से क्या आया वो सब्सटेंस जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन आया, हमने इसको ऑन किया तो ये नीचे आया। ओके, आई एम सॉरी, ओके, हमने इसमें थोड़ा सा क्या ऐड कर दिया, फिनोफ्थलीन दो तीन बूंद, इतना थोड़ा सा फिनोफ्थलीन ऐड कर दिया, तो बताओ ये पिंक होगा या नहीं होगा, इसमें HCl है, पिंक होगा या नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि फिनोफ्थलीन बेस के साथ पिंक कलर देता है। ओके, तो चलिए हम यहां से क्या लेके आते हैं, ऊपर से NaOH डालते हैं, NaOH आएगा HCl के कॉन्टेक्ट में आएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, क्या ये क्या इंडिकेटर पिंक होगा, नहीं होगा, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि HCl प्लस NaOH न्यूट्रल हो गए, बेसिक तो कुछ उठा ही नहीं, फिर आया फिर ये न्यूट्रल, तो कुछ नहीं, पिंक कलर नहीं दिखा। इसे ऐड करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा जब ये हल्का सा पिंक दिखाई देने लगेगा आपको, तब की तभी इस नोब को, नोब NOB कहते हैं इसे, नोब को, नोब उसको बंद कर दोगे। राइट राइट, तो हल्का सा पिंक हो गया, हल्का सा पिंक, इसका मतलब ये हल्का सा बेसिक है, ये हल्का सा बेसिक क्यों है, क्योंकि सारा HCl रिएक्ट कर गया, सारा HCl रिएक्ट कर गया, इसलिए ये आपको हल्का सा पिंक दिखाई देगा। ओके, इससे हमें पता लगेगा कि यस, इतना हमने जब टाइट्रेंट ऐड किया तब ये सारा न्यूट्रलाइज हो गया था। आई होप आपको समझ में आया होगा, मैं दोबारा से बात करता हूं कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये कब न्यूट्रलाइज हो गया, जब ये सारा न्यूट्रलाइज होता है तो हम इसे कहते हैं एंड पॉइंट, एंड पॉइंट, बहुत सारे वर्ड आ रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, एंड पॉइंट का मतलब होता है आखिरी वक्त, नॉट एंड टाइम, एंड पॉइंट आखिरी वक्त ही कह सकते हैं, आखिरी वक्त जब ये सारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा। एंड पॉइंट का हमें कैसे पता लगेगा कि अब ये सारा न्यूट्रलाइज हो गया जो हमने यहां लिया था, उसका हमें पता लगेगा इंडिकेटर से, कोई ऐसा इंडिकेटर जो इसकी प्रेजेंस बताएगा। राइट, वो आया खत्म हो गया तो पिंक नहीं दिखा, क्योंकि फिनोफ्थ्रीन हमने डाला था जो बेस के साथ पिंक कलर देगा, बहुत सारे इंडिकेटर है। राइट, हमने सबसे आसान सा एग्जांपल लिया है, जैसे ऊपर से बेस आया एसिड के साथ मिला न्यूट्रल हो गया, नो बेस नो पिंक, फिर आया फिर न्यूट्रल, नो बेस नो पिंक, एक टाइम ऐसा आया जब ये हल्का सा पिंक दिख रहा है आपको, तब की तभी आपने इसे रोक दिया, बंद कर दिया नोब को। राइट, बंद कर दिया, आप समझ गए कि इतना हमारा ये टाइट्रेंट यूज हुआ है, तो इसका मतलब एनालाइट में यहां इतनी वो चीज प्रेजेंट है, इसे कहते हैं टाइट्रेशन। ओके बच्चों, राइट, एक दो डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए कोई डाउट हो तो पूछिए, एक बार दोबारा से मैं बताना चाहूंगा, ब्यूरेट स्टैंड, टाइट्रेशन फ्लास्क, जो इसके अंदर होता है उसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है, जिसकी कंसेंट्रेशन पता होती है उसे हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं, टाइट्रेशन में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को टाइट्रेंट कहेंगे। राइट, जिसके बारे में हमें पता करना है जिसकी कंसेंट्रेशन, उसे एनालाइट कहेंगे। इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्यों कहते हैं, अब मैं आपको बता सकता हूं कि हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि टाइट्रेंट कितना यूज हुआ, जैसे ये यूज हुआ 50 ml, तो 50 ml ये वॉल्यूम हो गया ना, तो सबसे पहले हमने ये देखा कि इसका कितना वॉल्यूम यूज हुआ है,
तो वॉल्यूम को एनालाइज करना, इसलिए इसे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस भी कहते हैं। राइट, हर बात जो आपको जरा सी भी समझ में आई है उसे नोटबुक में जरूर लिखिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जो ये होता है, हिंदी में लिखिए बेशक। राइट, इट्स वी आर हेयर नॉट फॉर इंग्लिश, नॉट फॉर एनी लैंग्वेज, वी आर हेयर फॉर केमिस्ट्री। ओके, और सब्जेक्ट में खोके पढ़िए, लैंग्वेज लैंग्वेज कोई मायने नहीं रखते। ओके बच्चों, खैर तो ये था आपका टाइट्रेंट वगैरह, नोब, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टाइट्रेंट, एनालाइट, इंडिकेटर जो किसी के होने को इंडिकेट करता है, बेस को इंडिकेट करता है फिनोफ्थलीन, तो हमने फिनोफ्थलीन यहां यूज किया है। ओके बच्चों, दैट्स इट। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि टाइट्रेशन कुछ और नहीं बल्कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम एक सॉल्यूशन को रिएक्ट करवाते हैं जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता होती। कंसेंट्रेशन का मतलब उसकी मोलैरिटी नहीं पता, उसकी नॉर्मैलिटी नहीं पता। राइट, तो जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता उसकी रिएक्शन करवाते हैं हम ऐसे सब्सटेंस के साथ जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, टाइट्रेशन इज ए प्रोसीजर फॉर डिटरमाइनिंग द कंसेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन बाय रिएक्टिंग इट। मतलब ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें हम कंसेंट्रेशन पता करते हैं उसकी रिएक्शन करवाकर, किसकी, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें नहीं पता, किसके साथ, विद ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ अनदर सब्सटेंस। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जैसा कि हमने बात की, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता हो। ये वर्ड बहुत ज्यादा आएगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कहां बहुत ज्यादा आएगा, लैब में। जब आप लैब में जाएंगे तो ये वर्ड आप बार बार यूज करोगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो होता है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होती है। राइट, जिस सॉल्यूशन के बारे में हमें पता है कि वो कितने मोलर है, कितने नॉर्मल है, कितनी मोलैरिटी है, तो जिसकी कंसेंट्रेशन पता हो हम उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कहते हैं। ओके, टाइट्रेंट क्या होता है, टाइट्रेंट होता है वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी, जिसको हम ब्यूरेट से ऐड करते हैं एनालाइट में। एनालाइट क्या होता है, जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता करनी होती है, जिसको एनालाइज करना है, उसे एनालाइट कहते हैं। ओके, ब्यूरेट वगैरह के बारे में हम बात कर चुके हैं। तो टाइट्रेंट वो है जो ब्यूरेट से आएगा, टाइट्रेंट वो है जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता है, टाइट्रेंट एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होता है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं कि टाइट्रेशन कितनी तरह की होती है, टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। देखिए इसे पहले नोट डाउन कीजिए बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दोनों बच्चों। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन की बात करें तो मोटा मोटी हम टाइट्रेशन को दो कैटेगरी में बांटते हैं। राइट, दो कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। एक होती है नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन, नॉन रिडॉक्स। ये रिडॉक्स क्या होता है इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन। ओके, आपको पूरा लिखना है, मैं टीआईटी लिखकर छोड़ रहा हूं क्योंकि मैं इलेवंथ पढ़ चुका हूं, मेरी ग्यारहवीं हो चुकी है, मैं बड़ा हूं तो मैं इसे ऐसे छोड़ूंगा, ठीक है। ओके, नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन। एक होती है रिडॉक्स टाइट्रेशन। राइट, तो रिडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में हम तब बात करेंगे जब हमें यह पता लग जाएगा कि रिडॉक्स वर्ड का क्या मतलब है। ओके, फिलहाल हम नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन की पे फोकस करेंगे। नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन फर्दर चार तरह की होती है। एक होती है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, ये नॉन रिडॉक्स में आती है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। आई होप ये दिख रहा है, शायद फ्रेम से बात तो नहीं गया। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, इसका दूसरा पार्ट है डबल इंडिकेटर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, डबल DOUBLE डबल। ये सारी चीजें हम आगे पढ़ेंगे, डबल वर्ड का क्या मतलब है, इंडिकेटर वर्ड का क्या मतलब है, ये सब हम देखेंगे डिटेल में। डबल इंडिकेटर एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। राइट, एक आता है आपका प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। राइट, एंड द लास्ट वन जो हम नॉन रिडॉक्स में डिस्कस करेंगे वो करेंगे बच्चों बैक टाइट्रेशन। ओके, तो आप इन्हें नोट डाउन करें, हम एक एक करके इस पे बात करते हुए जाएंगे। और जब हम रिडॉक्स की बात करेंगे, रिडॉक्स टाइट्रेशन की, तब हम उसके टाइप्स देखेंगे। बट फिलहाल हमें अपने आप को लिमिटेड रखना है फिलहाल इन चार टाइट्रेशन के लिए जो कि नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन है।
ओके बच्चों आगे चलते हैं, आप इन्हें नोट डाउन कीजिए। बच्चों हमारी नॉन रिडॉक्स टाइट्रेशन का जो पहला टाइट्रेशन है, जो पहला टाइप है टाइट्रेशन का, वो है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में क्या होता है कि मान लो आपको किसी एसिड की कंसेंट्रेशन नहीं पता, तो उसे बेस के साथ टाइट्रेट करवाएंगे, राइट? ओके, और अगर बेस है तो उसे एसिड के साथ, एसिड का नहीं पता तो बेस एक लेंगे जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होगी, बेस का नहीं पता तो एसिड का सॉल्यूशन लेंगे जिसकी कंसेंट्रेशन हमें पता होगी, मतलब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, फिर इन दोनों की टाइट्रेशन करवाएंगे। तो देखिए एसिड बेस टाइट्रेशन की डेफिनेशन क्या है या तरीका क्या है, टू फाइंड आउट द कंसेंट्रेशन ऑफ अननोन एसिड और बेस इट इज टाइट्रेटेड। वो एसिड या बेस जिसकी टाइट्रेशन आपको नहीं पता उसे टाइट्रेट किया जाता है, टाइट्रेशन करवाई जाती है अगेंस्ट बेस और एसिड ऑफ नोन स्ट्रेंथ। पॉइंट ऑफ नॉटिंग, जो सॉल्यूशन आपके पास है राइट, उसकी कंसेंट्रेशन आपको पता, जो आपको मिला है उसकी नहीं पता, राइट? तो यहां पे लिखा है एसिड ऑफ नोन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ या कंसेंट्रेशन भी आप कह सकते हो, एक ही बात है, ऑफ नोन कंसेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन। ओके, एक और पॉइंट, ऑल द सॉरी एट द इक्वलेंस पॉइंट, इक्वलेंस पॉइंट वो होता है जहां पे आपका सारा एसिड जो आपने लिया है एनालाइट में, कॉनिकल फ्लास्क में, वो सारा रिएक्ट कर जाता है या वो बेस सारा रिएक्ट कर जाता है, उस पॉइंट को इक्विवेलेंट पॉइंट कहते हैं, जहां पे हल्का सा पिंक कलर दिखा था हमें, ओके? उस पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं। वो दिखा मतलब थोड़ी देर पहले हमने जब समझा तो हमने बात की थी कि फिनोफ्थलीन डालेंगे पिंक कलर आ जाएगा वो। सो एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट एंड टाइट्रेट सॉल्यूशन आर इक्वल, मतलब इक्विवेलेंस पॉइंट पे जितने इक्विवेलेंट, अब ये जाना जरूरी है, एट द इक्विवेलेंस पॉइंट इक्विवेलेंट ऑफ द टाइट्रेट एंड व्हाट आर द इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट एंड टाइट्रेट। तो बच्चों इसको यहीं छोड़ते हैं, एक बार कहीं दूसरी दुनिया में चलते हैं। तो आ गए हम यहां लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पे, तो पहले इसे समझते हैं उसके बाद उस टॉपिक पे आएंगे। बच्चों देखिए लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है, इस लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स रिएक्टेंट के कंबाइन होते हैं, ओके? और उतने ही इक्विवेलेंट हमें प्रोडक्ट के मिलते हैं। चीजें बात थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट होगी आपके लिए क्योंकि इक्विवेलेंट आप पहली बार सुन रहे हो, मोल्स तो आप बहुत बार सुनते हो, इतने मोल कंबाइन हो रहे हैं, अब आप पहली बार इक्विवेलेंट्स, या आपने पहले नॉर्मैलिटी में शायद ध्यान दिया होगा, राइट? अब हम बहुत ज्यादा इस वर्ड का यूज करेंगे इक्विवेलेंट्स, टाइट्रेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, ओके? तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा कंबाइन होते हैं। जैसे मेरे पास ए और बी आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो जितने इक्विवेलेंट मेरे पास ए हैं उतने ही इक्विवेलेंट बी के आपस में रिएक्ट करेंगे। अगर मेरे पास पांच इक्विवेलेंट है ए के, तो पांच इक्विवेलेंट बी के रिएक्ट करेंगे, राइट? और पांच इक्विवेलेंट ही प्रोडक्ट मिलेगा। अब इस डेफिनेशन को देखिए एक बार, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सब्सटेंस रिएक्ट टू गिव सेम इक्विवेलेंट ऑफ प्रोडक्ट। इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे हम, फिलहाल पहले इस लॉ का समझें, फिर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना सीखेंगे, इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं ये सीखेंगे। फिलहाल लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, क्योंकि टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं कि अननोन सब्सटेंस की कंसेंट्रेशन निकालने के लिए दूसरे को रिएक्ट करवाते हैं, ओके? दो अलग अलग सब्सटेंसेस को रिएक्ट करवाते हैं, तो उसके कितने इक्विवेलेंट वहां है यूज हुए, अगर आपको यह पता लग गया तो आप यह बता दोगे कि नीचे जिसको आप एनालाइट जिसे हम कह रहे हैं या टाइट्रेट भी कह देते हैं बहुत बार, वो टाइट्रेंट होता है एक टाइट्रेट होता है, एनालाइट को टाइट्रेट भी कह देते हैं। तो टाइट अगर आपको यह पता लग जाए कि इतने इक्विवेलेंट टाइट्रेंट के ब्यूरेट से आए हैं, इतने इक्विवेलेंट आए हैं, तो आप यह बता दोगे कि फ्लास्क में कितने इक्विवेलेंट हैं उस सब्सटेंस के जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, ओके? तो यहां हम टाइट्रेशन में ये रूल, ये लॉ बहुत ज्यादा हमारी हेल्प करता है, जो कहता है कि रिएक्टेंट के जो आपस में रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं उनके इक्विवेलेंट सेम ही रिएक्ट करते हैं। इसका एक इक्विवेलेंट अगर है तो इसका एक ही इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा, अगर ज्यादा है तो बचा रह जाएगा, राइट? इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट से मिलकर
एक इक्विवेलेंट ही प्रोडक्ट देगा। अब सवाल उठता है इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो बच्चों आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं इक्विवेलेंट क्या होते हैं। तो देखिए इक्विवेलेंट के अगर फॉर्मूले की मैं बात करूं तो इक्विवेलेंट्स होते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, या मैं इक्विवेलेंट्स को नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम भी कह सकता हूं। जैसे अगर मेरे पास मान लो टू नॉर्मल का एक सॉल्यूशन है और वो मैंने 20 ml ले लिया, टू नॉर्मल का कोई सॉल्यूशन है और वो मैंने 20 ml ले लिया, तो 2 × 20 n × V मुझे इक्विवेलेंट्स देगा, 40 इक्विवेलेंट्स मेरे पास हैं। ओके, टू नॉर्मल का सॉल्यूशन है, अगर मैं इसे 20 से मल्टीप्लाई कर दूं तो भी मुझे इक्विवेलेंट मिल जाएंगे। तो देखिए इक्विवेलेंट्स का तरीका क्या रहता है, इक्विवेलेंट्स निकालने का तरीका क्या रहता है, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास या नॉर्मेलिटी उस सॉल्यूशन की जो है, राइट, और वो कितना ml आपके पास है इनटू दिस, तो ये आपको इक्विवेलेंट देगा। ओके, नॉर्मेलिटी इनटू n इनटू v, राइट। अब एक बात सोचने वाली है कि यहां 20 ml था, 20 लीटर होता तो हम क्या करते। ओके, वो हम आगे देखेंगे बच्चों। फिलहाल लीटर हो या ml हो, फिलहाल आप मुझसे यही कहेंगे या आप अपने दिमाग में यही बिठाएंगे कि नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम आपको इक्विवेलेंट्स देगा, राइट। इक्विवेलेंट्स क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि दो चीजें जब रिएक्ट करती है तो एक के जितने इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे के भी उतने ही इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहे होंगे। अगर एक चीज के ज्यादा इक्विवेलेंट वहां है और एक के कम है तो जिसके ज्यादा है वो बचे रह जाएंगे, वो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, पर दोनों के बराबर इक्विवेलेंट ही रिएक्ट करते हैं। ओके, हमें ये समझना होगा, बहुत मुश्किल नहीं है टॉपिक। ओके, बट टाइट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट जरूर है। तो ध्यान से देखिए बच्चों, तो इक्विवेलेंट्स का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, या इसको नॉर्मेलिटी इनटू वी भी कह सकते हैं, एनवी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आपको बताता है। ठीक है बच्चों, और एग्जांपल करते हैं, इक्विवेलेंट्स निकाल के देखते हैं। बच्चों देखिए लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का फायदा देखिए, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का जादू देखिए। ये एक इक्वेशन है, बहुत सिंपल सी इक्वेशन हमने ली है, ये बैलेंस्ड नहीं है, कोई बैलेंस नहीं है यहां पे, टू हमें कुछ नहीं पता क्या आएगा कोफिशियंट, जो आगे लिखते हैं उन्हें स्टिक्योमेट्रिक कोफिशियंट कहते हैं, हमने कुछ नहीं लगाया, लगाने की जरूरत भी नहीं है। हमें यह बताना है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा, प्रोडक्ट का वेट बताना है, वेट बताना है, वजन बताना है, कितने ग्राम प्रोडक्ट बना ये बताना है। सिर्फ हमें एक बात पता है कि 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है। ध्यान से देखिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग है लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है, जितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिएक्टेंट के होते हैं, राइट, या एक रिएक्टेंट के जितने इक्विवेलेंट आपके पास है उतने ही दूसरे रिएक्टेंट के उसके साथ रिएक्ट करते हैं और उतने ही इक्विवेलेंट प्रोडक्ट हमें मिलता है, राइट। तो एक बात को समझते हैं, जब हम एग्जांपल को पूरा सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगी। इसका मतलब यह है कि सल्फ्यूरिक के जितने ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या लिखा था अभी हमने, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, वो अभी तो लिखा है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, यानी इतने इक्विवेलेंट मान लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के हमारे पास है, राइट। तो इतने इक्विवेलेंट, इसके कितने इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेंगे, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या कहता है कि जितने इक्विवेलेंट इसके, ये पूरा है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, निकालेंगे बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, अभी बताएंगे इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकाले जाते हैं, इसके जितने इक्विवेलेंट होंगे इसके भी उतने ही होंगे, यानी वेट अपॉन इसका इक्विवेलेंट मास, राइट। और कितना प्रोडक्ट बनेगा, इसके कितने इक्विवेलेंट बनेंगे, इतने ही जितने आपस में ये रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया है। हम लॉ ऑफ इक्विवेलेंस की बात मानकर, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस की बात मानकर कुछ ऐसा लिख देते हैं, जितने इसके इक्विवेलेंट उतने इसके रिएक्ट करेंगे और उतने ही प्रोडक्ट बनेंगे। ये है हमारा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। और इस लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस का यूज करके हमें बताना है सोडियम सल्फेट Na2SO4 कितने ग्राम बनेगा। ओके, देखते हैं बच्चों, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, वेट कितना लिया था इसका, 49 ग्राम,
इक्विवेलेंट मास निकालना कुछ बच्चों को नहीं आता होगा, नहीं आता है तो अभी सीखिए, कोई महाभारत नहीं है या कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जो ना है फ्रेम से बाहर तो नहीं गए हैं, नहीं गए हैं जी। राइट, देखिए इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला क्या रहता है प्यारे स्टूडेंट्स, इक्विवेलेंट मास का फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर मास अपॉन अल्फा फैक्टर। याद आया अल्फा फैक्टर, कोई एसिड कितने एच पॉजिटिव देता है, H2SO4 दो एच पॉजिटिव देता है तो अल्फा फैक्टर दो हो गया, HCl एक एच पॉजिटिव देता है तो अल्फा फैक्टर वन हो गया, NaOH एक OH नेगेटिव देता है तो अल्फा फैक्टर वन हो गया, ओके CaOH होल ट्वाइस दो OH नेगेटिव देते हैं तो अल्फा फैक्टर दो हो गए। राइट, तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन अल्फा फैक्टर, इसका इक्विवेलेंट मास सल्फ्यूरिक एसिड का निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ये वाली वैल्यू निकाल रहे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं, ओके मॉलिक्यूलर मास होता है 98, कर लेना कैलकुलेशन, 98 होता है अपॉन अल्फा फैक्टर, दो एच पॉजिटिव देता है तो इसका अल्फा फैक्टर हो गया 49। राइट, तो इसका इक्विवेलेंट मास आ गया सल्फ्यूरिक एसिड का 49। ओके इक्विवेलेंट मास 49, लेके कितना चले थे 49, मतलब इसके एक इक्विवेलेंट H2SO4 का हमारे पास है, तो बताओ NaOH के कितने इक्विवेलेंट कंबाइन होंगे, एक इक्विवेलेंट कंबाइन होगा। राइट, इसके जितने इक्विवेलेंट आपके पास हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जितने हैं, ओके उसके जितने हैं, ये बहुत सारा है हमारे पास, सॉरी ये बहुत सारा है, इसके एक इक्विवेलेंट है, ये खत्म हो जाएगा, यानी इसका एक इक्विवेलेंट इसके एक इक्विवेलेंट के साथ ही कंबाइन होगा और इसका एक इक्विवेलेंट ही बनेगा। ओके तो बताओ ये इसके एक इक्विवेलेंट का वेट बताइए, बहुत आसान है, जरा देखिए ये फॉर्मूला है इक्विवेलेंट का, यानी कितना बना हमारे पास एक, एक का फॉर्मूला होगा वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। राइट, इक्विवेलेंट वेट को इस साइड लेके आओ तो इसका कितना वेट बनेगा, इक्वल टू जो वेट हमें मिलेगा ये वाला वेट है, ये वाला वेट है, ये वाला वेट है, इसका वेट होगा 1 into इक्विवेलेंट वेट। अब बच्चों आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है Na2SO4 का, चलिए देखते हैं यहां Na2SO4 मॉलिक्यूलर मास अपॉन अल्फा फैक्टर, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं सोडियम का 23, एक का 23 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 into 4 64। हाँ चलिए बच्चों 23 इंटू 2 46, 46 प्लस 64 प्लस 32, 6 4 10 दोबारा 2 1, 6 4 10 और 11 142, यानी मॉलिक्यूलर मास हो गया 142 अपॉन अल्फा फैक्टर। अल्फा फैक्टर कैसे देखेंगे, ये सोल्ट है ना, एसिड है ना बेस है, ये एक सोल्ट है Na2SO4। राइट, इसके ऊपर कितना चार्ज है, ये अभी शायद रिडॉक्स टाइट्रेशन में हम इसकी बात करें, वैसे शायद आपको पता भी हो SO4 पे 2 नेगेटिव होता है, Na पे पॉजिटिव होता है, Na+1 होता है हमेशा, +1 +1 वाले 2 है, तो जो ये चार्ज देख रहे हो यही अल्फा फैक्टर है 2। ओके सॉल्ट NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका अल्फा फैक्टर हो गया 1, Na2SO4 का 2, तो डिवाइडेड 2 7 171, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 71 ग्राम बनेगा ये, चाहे आप अपने स्टिक्योमेट्रिक कैलकुलेशन से करके देख लो 71 ग्राम ही आएगा आंसर। इसमें बड़ा सीधा सा बात हमने लागू की, क्या इसका जितने इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे उतने इक्विवेलेंट इसके रिएक्ट करेंगे उतने इक्विवेलेंट इसके, यानी खेल सिर्फ एक बचा है, वो खेल ये है कि आपको इक्विवेलेंट निकालना सीखना है बस, उसके बाद सारी रिएक्शन इस छोटे से रूल से सोल्व होती चली जाएंगी। आपको सिर्फ क्या सीखना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना, ये भी धीरे धीरे आएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ी चीज नहीं है बच्चों, ये भी धीरे धीरे आएगी, घर पे बैठे बैठे आप यही करो बस, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखो, सॉरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना सीखो, इक्विवेलेंट वेट निकालना सीखो, बस बात बनती चली जाएगी। अब जरा देखो, अगर मैं आपसे पूछूं NaOH कितने ग्राम यूज हुआ है, मैंने आपसे पूछा NaOH कितने ग्राम यूज हुआ, चलिए ये करते हैं, कितने इक्विवेलेंट यूज हुए हैं, 1 क्या यूज हुए हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, यही तो होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये एक यूज हुआ है, यानी कितना वेट यूज हुआ है, इसको उस साइड लेके जाओ 1 into इक्विवेलेंट मास, चलिए इक्विवेलेंट मास निकालते हैं हटाते हैं, मोलर मास कितना होता है NaOH का 23 1 16, 23 किसका सोडियम का, 1 किसका हाइड्रोजन का, 16 किसका ऑक्सीजन का, राइट 16 17 कितने हो गए 40, 40 होता है यार, 6 7 10 2 ओके 40 होगा ना,
17 23 40 सॉरी या 40 अल्फा फैक्टर एन एच कितने ओ एच नेगेटिव देता है एक तो वन तो इक्विवेलेंट मास आ गया 40 यानी कि इसका एक से ओके देखिए हाँ जी 40 कितना हो जाएगा 40 by 1 यानी 40 इक्विवेलेंट मास आ गया 40 तो 1 × 40 तो कितना वेट 40 ग्राम इसका मतलब इसका 49 ग्राम इसका 40 ग्राम और 71 ग्राम ये मिलेगा बच गया वो वाटर बनाएगा ओके आई होप बच्चों आपने अब कंफ्यूज नहीं हुए होंगे राइट अब कंफ्यूज नहीं होंगे तो चलते हैं वहीं कहां जहां से हम यहां पहुंचे थे एसिड बेस टाइट्रेशन के पास वेलकम बैक बच्चों हमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस समझकर आपको अच्छा लगा होगा शायद वापस से इसी दुनिया में आ जाते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में ओके सो एट द इक्विवेलेंस पॉइंट वो था जब हमारा टाइट्रेंट हमारे टाइट्रेट को एनालाइट को कंप्लीटली खत्म कर देता है रिएक्ट कर जाता है उसके साथ उसे इक्विवेलेंस पॉइंट कहते हैं एट द इक्विवेलेंस पॉइंट इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट थोड़ी देर पहले जो हमने बात की थी दूसरी दुनिया में जाकर इक्विवेलेंट ऑफ टाइट्रेट एंड टाइट्रेंट टाइट्रेट जो ऊपर से आ रहा है जिसके बारे में पता है टाइट्रेट एनालाइट उसके दोनों जब वो रिएक्ट कर रहे थे तो इक्विवेलेंट यूज किए मतलब अगर आपको ये पता है कि आपके नॉन सॉल्यूशन के कितने इक्विवेलेंट यूज हुए हैं तो आप ये बता सकते हो कि अननोन के कितने इक्विवेलेंट यूज हुए हैं राइट और आपको पता है इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हमने बात की थी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला था वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास या एन इंटू वी इसका मतलब मैं कह सकता हूं एन इंटू वी से मेरे एसिड के जितने एन वी यूज हुए उतने ही बेस के एन वी यूज हुए होंगे मतलब सपोज मुझे मान लो इसकी कंसेंट्रेशन नहीं पता इसकी पता है राइट तो इसका एन वी मुझे पता है तो जितना इसका यूज हुआ एन इंटू वी इक्विवेलेंट उतना ही तो इसका यूज हुआ होगा तो मैं कह सकता हूं एन ए वी ए इज इक्वल टू एन वी वी बी राइट एन ए वी वी ए एन बी वी बी एन ए मुझे पता है भाई मैंने मुझे पता था उस सॉल्यूशन स्टैंडर्ड था वॉल्यूम मुझे पता है अब आप कहोगे वॉल्यूम कैसे पता है भाई आपने वो ब्यूरेट से जो सॉल्यूशन यूज किया फ्लास्क में कोनिकल फ्लास्क में उसमें आपने वॉल्यूम नहीं देखा था कि वॉल्यूम कितना यूज हुआ है तो जिसके बारे में आपको पता है उसकी नॉर्मेलिटी आपको पता उसकी वॉल्यूम आपको पता अच्छा जो आपने यहां सॉल्यूशन लिया था मतलब मान लो यहां बेस है बेस आपने कितने एमएल लिया था ये तो आपने देखकर ही लिया होगा 20 ml 30 ml ओके तो ये आपको पता था इसका वॉल्यूम कितना है ये भी पता है तो अगर आपको ये पता है ये पता है ये पता है बस इसका पता करना है और यही तो हमारा काम था टाइट्रेशन का मकसद ही ये है कि आपको नॉर्मेलिटी या मोलैरिटी बताना ओके बच्चों आई होप आपने इंजॉय किया होगा इंजॉय नहीं भी किया तो भी करना पड़ेगा आपको क्योंकि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है जो भी आपको बनना है बस जो चीज आपको पसंद नहीं उसमें जबरदस्ती इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा और आई होप इतना कोई मुश्किल भी नहीं है और इतना बोरिंग भी नहीं है सबसे बड़ी बात अच्छा अगला पॉइंट बच्चों नेक्स्ट जो हमारी टाइट्रेशन बची है नॉन रेडॉक्स में तीन टाइट्रेशन और बची है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे पहले इसके प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे उसके बाद हम आगे चलेंगे ओके थैंक यू वेरी मच बच्चों